हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप लोग देखे कि लोअर चेस्ट कैसे बनाएं। भाई लोअर चेस्ट बहुत मेरे भाई का बन के नहीं आता, तो लोअर चेस्ट के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज करेंगे हम, जिससे कि हमारा लोअर चेस्ट लटकता हुआ नहीं दिखे। अगर मसल उसको फिक्स करना है तो लोअर चेस्ट बिल्कुल शेप में दिखे। आप अगर चाहते हो कि आपका लोअर चेस्ट अच्छा दिखे तो ये सारा एक्सरसाइज करोगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, लोअर चेस्ट अगर आपका शेप में रहेगा तो आपका एब्स का विजिबिलिटी भी बढ़ेगा और एब्स भी आपका बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो जो जो चीज को आप लोग का लैक करते हो जहां पे लोअर चेस्ट पे, तो आज लोअर चेस्ट पकड़ेंगे और लोअर चेस्ट पे काम करेंगे कि लोअर चेस्ट को कैसे सही किया जाए, कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, सारा कुछ ध्यान से देखो। एक एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, सारा ऐड करोगे आपका लोअर चेस्ट बिल्कुल ही सेक्सी दिखे, बहुत ही मस्त दिखेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, साथ ही फॉलो करो भाई से। बताने वाला हूँ अब एक्सरसाइज किस तरीके से भाई का लोअर चेस्ट अच्छा हो क्या है, आप लोग का भी हो क्या है भाई। ठीक है भाई लोग, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये पुशअप्स होने वाला है, भाई हमारे लोअर चेस्ट के लिए। करना क्या आपको, हाथ का ग्रिप उल्टा रहेगा, ठीक है, हाथ का ग्रिप उल्टा रहेगा और आपका जो लोअर चेस्ट का जो शेप है, जहां से आपका लोअर चेस्ट जहां पे है उसको रखना है इसके आगे, अपने बेंच के आगे इस तरीके से रखना है। चलो थोड़ा सा वाइड पे करना है। चलो पुशअप्स लगाओ, 1 up 2 up 3, सामने देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11, खड़े हो जाओ, दिखाओ अपर चेस्ट। ठीक है, देखो भाई क्या होता है कि अपर चेस्ट के लिए आपको ये पुशअप्स ऐड करना होगा। क्या होगा, बेंच पे ये पुशअप्स आप ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर एक्सरसाइज होगा भाई, डिक्लाइंड बेंच पे लगाएंगे, रुक जाओ, डिक्लाइंड बेंच पे लगाएंगे भाई बेंच प्रेस, ठीक है। वेट अपने हिसाब से ऐड करना भाई, 5 10 15 10 15 20 25, जो भी 3 सेट लगाओगे आप, ठीक है। मैं एक्सरसाइज प्रॉपर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको करना होगा। पहला ये पुशअप लगाएंगे, लोअर चेस्ट को आगे रखना है, और दूसरा हम आ जाएंगे बेंच प्रेस पे, डिक्लाइन बेंच प्रेस, इस तरीके का बेंच होगा। इसमें क्या करना है, ग्रिप रखना है थोड़ा सा वाइड और बिल्कुल यहां पे लाना है बिल्कुल। चलो, और ये डिक्लाइन बेंच प्रेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको सी बनाते हो, मतलब नीचे जाएगा आपका, नीचे ले जाओ इस तरीके से, और ऊपर उठाना है तो सामने की तरफ रख के इस तरीके से नीचे ले जाओ और ऊपर सामने की तरफ लेके, जिससे कि क्या होगा, लोअर वाले पे फर्क पड़े हमारा, ठीक है। इसका 10 से 15 रिपीशन का लगाओगे और बाद में वेट बढ़ाते रहोगे। नीचे जाएगा इस तरीके से, ऊपर सामने की तरफ लेके, नीचे जाएगा ऊपर सामने की तरफ, जिससे कि सारा का सारा जो वेट है बारबल का प्लस वेट का हमारे लोअर चेस्ट पे पड़े। इस पर आपको ध्यान फोकस करना होगा, जिससे कि आपका लोअर चेस्ट बन के आएगा। अब आप सिंपल मारोगे, सिंपल अगर मारते हो तो आपका लोअर चेस्ट का कुछ लेना देना नहीं है। वही को अगर सामने से लेके आते हो, लेके आओ फिर सामने लेके जाओ, तो इससे आपका लोअर चेस्ट पे फर्क पड़ता है और सारा का सारा आपका फोकस पड़ेगा आपका लोअर चेस्ट पे, छोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर सेकंड लोअर चेस्ट के लिए, डिक्लाइन बेंच प्रेस बारबेल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी डंबल ले लो, और सारे एक्सरसाइज का आप 3-3 सेट करना। मैं सारा एक्सरसाइज ए टू जेड बता दे रहा हूँ, सेट्स आपको खुद ही डिसाइड करना है कि कितना सेट लगाना है, क्या लगाना है, सारा कुछ आपको खुद डिसाइड करना। लेट जाओ, ठीक है। अभी लगाने वाले हैं हम सिंपल डंबल से डिक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, लगाओ सामने, और इसमें भी डंबल भी आएगा सामने की तरफ करके। चलो, 1, बहुत अच्छे, इस तरीके से सामने की तरफ, जैसे कि हम डिक्लाइन लोअर वाले चेस्ट पे फोकस करते हैं। 1 2, चलो 3, चलो यहां पे 4, चलो 5, चलो 6, चलो 7, चलो 8, चलो 9, चलो 10, चलो 11, अप 12। सिर्फ लोअर चेस्ट का सारा एक्सरसाइज जो कि अभी देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लोअर चेस्ट का है। लोअर चेस्ट तगड़ा करना है भाई, लोअर चेस्ट अच्छा बनाना है, ये सारा एक्सरसाइज ऐड करोगे, रिलैक्स करो। और सिर्फ एक एक सेट करवा रहा हूँ, और सिर्फ एक एक सेट के बाद देखना आप लोग, अरे वही रहो, एक एक सेट के बाद दिखाऊंगा आपको कि क्या भाई का लोअर चेस्ट पे फर्क पड़ा है, क्या आप इसमें वेट ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सारा आंसर आपको खुद ब खुद देख के मिल जाएगा। करना क्या, सारा एक्सरसाइज इस तरीके बता रहा हूँ, पहला पुशअप्स ये वाइड करके बेंच पे, लोअर चेस्ट को सामने की तरफ रख के, दूसरा एक्सरसाइज सिंपल बारबेल से डिक्लाइन बेंच प्रेस, वेट अपने हिसाब से 3 सेट लगा के इंक्रीज करना है, फॉर्म किस तरीके से बता दिया। तीसरा नंबर एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा डंबल के साथ डिक्लाइन डंबल प्रेस। चौथा हो जाएगा हमारा, नीचे लेट जाओ, दोनों डंबल को बीच में रखो, बीच में, ठीक है, हाँ, और सामने की तरफ लेके जाओ, यहाँ रखो और सामने की तरफ लेके जाओ। चलो 1 2 3, इससे हमारा सेपरेशन होगा अच्छे तरीके से। सेपरेशन मतलब लोअर चेस्ट का जो देखते हो आप लोग लाइनिंग कट होकर इधर से आता है, उस पर ध्यान देगा आपका इनर चेस्ट, आपका लोअर हिस्से तरीके से, लोअर के हिस्से साइड से, लोअर मतलब लोअर चेस्ट पे काम कर रहे हो तो आपका ये वाला कट जो है सेपरेशन वाला, ये आपका अच्छा हो जाएगा। चलो 5 5 4 3 2
एक और छोड़ दो, एक और, एक और, एक और रिलैक्स करो, क्योंकि एक सेट में रिजल्ट दिखाना है तो इसको एक सेट अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करवाना होगा, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स करो। अब इस पे फ्लाइज लगा सकते हो तुम, फ्लाइज लगाओ। चौथा नंबर एक्सरसाइज हो गया हमारा, ठीक है? अब पांचवा नंबर हो जाएगा फ्लाइज। चलो डंबल फ्लाइज लगाओ। हर एक सेट में मैं बस आपको फॉर्म दिखा रहा हूं, मैं बस आपको ये नहीं दिखा रहा हूं कि आप 5 सही करना है या 7.5 सही करना है या 10 सही करना है। वेट अपने हिसाब से, चाहे आप 10 मारते हो, 15 मारते हो, आ जाओ। फ्लाइज लगाना है लेकिन ऊपर की तरफ, जिससे कि मैं लोअर वाले को इंगेज करें, हम लोअर वाले का लाइनिंग पे इंगेज करें। चलो साइड फ्लाइज कैसे लगाते हो, साइड से लेके आते हो? हाँ, बस सिंपल ऐसे तरीके से आना है और ऊपर लेके आना, जिससे कि पूरा हमारा जो लाइनिंग वगैरह है चौड़ाई के साथ साथ लाइनिंग भी अच्छे तरीके से आए। चलो ये डंबल इस तरीके से रहेगा, मतलब क्लोज, जिससे कि इस पे फर्क पड़े। चलो वन, चलो अभी रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, एक एक सेट का क्या रिजल्ट मिलता है, एक्सरसाइज किस तरीके से करना है और रिजल्ट निकालने के लिए किस तरीके। एक तो होता है भाई सिंपल कोई वर्कआउट करता है, और दूसरा कुछ माइंडसेट के साथ वर्कआउट करता है कि हाँ भाई लोअर चेस्ट पे काम करना है तो लोअर चेस्ट दिखना चाहिए भाई, इस तरीके से वर्कआउट करता है तो उसका अलग मोटिव होता है और रिजल्ट भी उसका अलग मिलता है। चलो पांच, चार, तीन, पांच, चलो तीन रिजल्ट दिखेगा। चलो चार, खुद से चार, 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 तीन, दो, एक। अब पकड़ के होल्ड के ऊपर, ऊपर पड़ा यहाँ पे, यहाँ पे टच करके होल्ड करो, होल्ड करो 10 सेकंड तक इस तरीके से अंदर की तरफ करके। चलो 10, 9, 8, सिर्फ और सिर्फ लोअर चेस्ट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। छोड़ो, फर्क पड़ा, डंबल रख दो अभी। ये सारा एक्सरसाइज हमारा लोअर चेस्ट के लिए, और बहुत मेरे भाई का देखता हूँ भाई यहां से चेस्ट फूल जाता है, लेकिन ये वाला कट जो चाहिए ये नहीं होके आता है, तो इसका भी देखो, दिखाओ, रिलैक्स करो, नीचे रखो। हाँ, ये जो कट चाहिए आपको, ये कट किस तरीके से मिलेगा, उसका उस पे आज सारा का सारा वीडियो हमारा होने वाला है, सारा का सारा फोकस उसी पे रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा भाई हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको सबसे ऊपर लगाओ, तो इसको ऊपर लगाओ और सिंगल हैंड वाला ग्रिप लगाओ इसमें। हाँ, सबसे ऊपर लगाओ और सिंगल हैंड वाला ग्रिप लगाओ। अभी लगाने वाले हैं लोअर चेस्ट के लिए, और आप केबल क्रॉस भी लगाते हुए, केबल क्रॉस वाले पे भी आपको सोचोगे कि भाई लोअर वाले पे काम करें तो किस तरीके से काम करना होगा, लोअर वाले के लिए कहाँ पे सेट करना होगा। तो सिंपल, आपको सबसे ऊपर इसको सेट कर देना है, चाहे आपका हाइट कितना भी हो, ठीक है? ऊपर सेट करने के बाद सिंगल हैंड वाला ग्रिप लाओ, कहाँ गया ये, ठीक है? और सेट करो, तीन पे सेट कर दो, तीन पे नॉर्मल। मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद भाई करेगा, ठीक है? करना है क्या आपको, ग्रिप सेट करने के बाद तीन पे सेट करो, 1, 2, 3, इस पे सेट कर दिया, ठीक है? तीन ही है ना, हाँ ठीक है। अभी सबसे ऊपर सेट कर दिया, एक और ऊपर जाएगा। सबसे ऊपर सेट करने से क्या होगा, और ज्यादा खींच के आएगा और ज्यादा टेंशन पड़ेगा चेस्ट पे, बस ठीक है। चलो अभी क्या करना है आपको, तीन इधर भी है, तीन इधर भी है। अभी आपको नीचे आ जाना है घुटना पे, क्योंकि लोअर चेस्ट पे टारगेट करना है, लोअर चेस्ट पे फोकस करना है, सिर्फ नीचे आ जाना है। और दोनों हाथ को खोलोगे इस तरीके से, पूरा सीधा नहीं करना है, हाथ को इस तरीके से एल्बो को मोड़ के रखना है इस तरीके से। और क्या करना है, नीचे की तरफ, पूरा नीचे की तरफ लाओ, सटाओ, ठीक है? सटाओगे नहीं तो सेपरेट इतना इतना तक लाना है, ठीक है? पूरा खोलोगे, फिर जैसे कि आप, नहीं होता है कि आप पोजिंग दे रहे हो, बॉडी बिल्डिंग का पोजिंग दे रहे हो, ऐसे करके पोजिंग पोजिंग करते हैं, उसी तरह हाथ खुलेगा नहीं आपका, हाथ लॉक कर लिए, ऊपर गए, पूरा ऊपर गए, फिर नीचे आके लोअर चेस्ट स्क्वीज, ऊपर गए, फिर नीचे आके लोअर चेस्ट स्क्वीज, बहुत तगड़ा लोअर चेस्ट। अभी मैं दिखाता हूँ भाई का रिजल्ट, अभी मैं इसको करवाता हूँ, रिजल्ट आपको खुद ब खुद अभी दिखने वाला है। चलो करके दिखाओ, तो बिल्कुल मिडिल में आओ, नीचे बैठ जाओ, घुटना पे आ जाओ, सर सामने, और बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे आके तुमको टच करना है। चलो वन, सर सामने, टू, यहाँ पीछे रहो, बॉडी आराम से, आराम से। चलो 10, 9, सीधा रहो, बॉडी सीधा रखो, 3, 4, 5, 6, सामने देखो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी नीचे लेके आओ, आराम आराम से, स्लोली स्लोली लेके आओ, स्लोली, 1, सुपर स्लो, 2, स्लोली, 3, आराम आराम से, 4, चलो 5, थोड़ा सीधा रहो, सीधा रहो, 5, चलो स्लोली, एकदम स्लो, जैसे 5 सेकंड में ऊपर लेके जाओगे, 5, 4, 3, 2, अब नीचे लेके आओ 5 सेकंड में, 1, 2, 3, 4, आराम आराम से ऊपर, पूरा पूरा खोलो। हाँ, अभी 5 सेकंड में लेके आओ, 1, 2, 3, 4,
पांच, पांच सेकंड में ऊपर जाओगे, एक दो तीन चार पांच, पांच सेकंड मिनट किया, पांच चार तीन दो एक, पकड़ के रखो तो, पकड़ के रखो तो, पांच सेकंड तक ऊपर देखो, पांच चार जोड़ लगाओ, पांच चार तीन दो एक, पकड़ के रखो, पांच चार, हटा के हटा के हटा के, दोनों को पकड़ना नहीं है, बस हटाना है, बस छोड़ दो। ये देखो रिजल्ट अभी आपको दिखेगा कि काम अगर होता है चेस्ट पे तो किस तरीके से होता है। एक्सरसाइज करते हो, दिखाओ इसका लोअर चेस्ट, दिखाओ किस तरीके से दिख रहा है। रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स रहो, नॉर्मल नॉर्मल भी आप खड़े रहोगे तो आपका लोअर चेस्ट अच्छा दिखेगा, नॉर्मल भी खड़े रहोगे तो आपका लोअर चेस्ट अच्छा दिखेगा, जो कि आप इस जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कि आपका चेस्ट का ये शेप बन के आए, ना कि चेस्ट लटकता रहे या फिर यहाँ से बस फुला रहे, ये शेप में आए, तो ये सारे एक्सरसाइज आपको करना होगा। बेसिक एक्सरसाइज जो कि बताया हूँ कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। और लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में सिंपल वाइड ग्रिप पुशअप्स ऐड करना है, ठीक है। वाइड ग्रिप पुशअप्स जो नॉर्मल आप होता है, करो वाइड ग्रिप पुशअप्स, इधर साइड से उल्टा साइड से ग्रिप इधर रहेगा, हाँ करो और लगाओ, 10 रेपिटेशन लगाओगे, लेकिन 5 सेकंड में नीचे जाओगे, 5 सेकंड में ऊपर, चलो 1 2 3 4 5 ऊपर आराम आराम से, 1 स्लो लगाओ, स्लो 1 और वाइड, और वाइड करो, तो हाथ को, हाथ को और वाइड करो, वाइड चौड़ा और चौड़ा, बस अभी जाओ तो 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इससे अब रिलैक्स करो, अभी पोजिंग दो, दिखाओ चेस्ट किस तरीके पंप हुआ, क्या हुआ, सिर्फ 5-6 एक्सरसाइज, 7-8, 7 से 7 एक्सरसाइज का ये फर्क है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये पोजिंग देख लिया आप भाई, और लोअर चेस्ट आपका फर्क भी देख लिए, और इस सारे एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है भाई 3 से 4 सेट, ठीक है। और वेट रखना है अपने हिसाब से, ठीक है, वेट आप बढ़ाते रहोगे जिस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना है, आप उस हिसाब से अपने वेट को रखोगे। हर एक का 3 सेट, जैसे पुशअप्स लगाया है ये 5 से 5 रिपीटेशन का लगाया, आप चाहो तो 10 रिपीटेशन का, 15 रिपीटेशन का 2-3 सेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फिनिश इस तरीके से करना है, बाकी एक्सरसाइज प्रॉपर जैसे बताएं, पुशअप से स्टार्ट करना है, डिक्लाइन बेंच पे जाना है, केबल पे जाना है, फिर पुशअप लगा के वर्कआउट को फिनिश करना है। और ये लोअर चेस्ट का वर्कआउट चेस्ट के दिन ऐड करना है, या फिर जब चाहो ऐड करो, फर्क आपका लोअर चेस्ट पे ही पड़ेगा, लोअर चेस्ट बिल्कुल ही 100% आपका बन के आएगा। मिलते हैं फिर स्टे सेफ स्टे हेल्दी और तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। और भाई को ट्रांसफॉर्म करूंगा, अभी लोअर चेस्ट देख लो आपको इसका, और बिल्कुल ही तगड़ा बना के छोड़ूंगा, आप लोग साथ में बने रहो और अच्छे बनो भाई, ठीक है। मिलते हैं, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ठीक है भाई लोग।